दोस्तों, इंसान अगर चाहे तो वह अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता है, यानी कि अगर इंसान चाहे तो वह मोटा हो सकता है, चाहे तो पतला हो सकता है, चाहे तो अपनी हाइट को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज साइंस इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है कि हर एक चीज़ के लिए एक साइंटिफिक रीजन है, उसी प्रकार लंबाई को बढ़ाने के लिए भी कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं। दोस्तों, हम लोगों की जो हाइट होती है वह सिर्फ चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है जेनेटिक, दूसरा है डाइट, तीसरा है एक्सरसाइज और चौथा है एज। लेकिन इस समय आपके लिए सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका यह है कि इस समय ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड के मौसम में हमारी बोन्स 3 गुना तेज़ी से बढ़ती हैं। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी ठंड के मौसम में कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप इस समय मतलब ठंड के मौसम में दो चीज़ें फॉलो करते हो, पहला डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज और मेरे द्वारा बताई गई कुछ टिप्स केवल ध्यान में रखते हो, तो ठंड का मौसम खत्म होते होते आपकी हाइट जरूर बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी टिप्स दूंगा वह पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड होंगी और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही मैं बना रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव और गजब सा टिप्स दूंगा, जिसको अगर आप केवल ध्यान में रखते हो तो आपकी हाइट 100.1% बढ़ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम लोगों की हाइट कितनी उम्र तक बढ़ सकती है। दोस्तों, बहुत से लोगों का यह मानना है कि हम लोगों का हाइट 20 प्लस के बाद नहीं बढ़ता है। हाँ, यह बात सही है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों का हाइट बढ़ाना डिपेंड करता है वह पूरी तरह से जीन्स पर करता है, यानी आपके पेरेंट्स की जो हाइट है उस पर डिपेंड करता है। पर यह जरूरी नहीं है कि आपकी लंबाई आपके पेरेंट्स की लंबाई के बराबर हो। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स की लंबाई कम होती है और आपकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में लोगों की हाइट कम रह जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी हाइट कम है तो कुछ तकनीक की मदद से आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए इस ठंड के मौसम में करना यह है कि हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और इन पॉइंट को दबाने से अलग अलग फायदे मिलते हैं, लेकिन यह फायदे ठंड के मौसम में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से मिलते हैं। दोस्तों, हाइट बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। पहला जो हाथ के अंगूठे का आगे का एरिया होता है वह है, और दूसरा आपके पैर के अंगूठे का जो आगे का एरिया होता है वह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो 2 पॉइंट होते हैं, इन्हें अगर आप ठंड के मौसम में रोजाना सुबह के समय 10 से 15 बार पुश करते हैं, तो इसका डायरेक्टली संपर्क आपकी पीयूष ग्रंथि से हो जाता है। इससे होता यह है कि पुश करने के तुरंत बाद हमारी पीयूष ग्रंथि तेजी से प्रभावित होती है और HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स बहुत तेजी से रिलीज होने लगता है, और यह वही हॉर्मोन्स है जो हमारी हाइट को बहुत तेजी से बढ़ाता है। लेकिन यह काम हमारी पीयूष ग्रंथि सर्दियों के मौसम में 3 गुना तेजी से करती है, इसीलिए अगर आप रोजाना सर्दियों के मौसम में यह काम करते हैं तो आपकी हाइट 100% या 200% बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, अब हम टिप्स नंबर 2 की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को ऑल पर दबा दीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप अपनी माँ से सच्चा प्यार नहीं करते हैं, और इसे आप माँ की कसम बिल्कुल भी मत समझिएगा। प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिप्स नंबर 2, दोस्तों टिप्स नंबर 2 है डाइट, यानी कि अगर आप सर्दियों के मौसम में अपनी डाइट को सही कर लेते हो तो आपकी हाइट दुनिया का कोई भी इंसान बढ़ने से नहीं रोक सकता है।
दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन से हम लोगों के जितने भी मसल्स होते हैं टिश्यू होते हैं वह बनने लगते हैं और कैल्शियम से हम लोगों की बोन्स मतलब हड्डियां बढ़ने लगती हैं और मजबूत बनने लगती हैं। लेकिन यह काम सर्दियों के मौसम में 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसीलिए हाइट बढ़ाने के लिए सर्दियों के मौसम में अगर आप प्रोटीन और कैल्शियम अच्छे तरीके से ले लेते हो तो आपकी हाइट जरूर बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आप एक मांसाहारी हो तो आपके लिए प्रोटीन और कैल्शियम के बहुत सारे सोर्स हैं। आप मीट मछली अंडे इस तरह से बहुत कुछ खा सकते हो, लेकिन अगर आप एक शाकाहारी व्यक्ति हो तो आपके लिए दूध दही और सोयाबीन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो ठंड के मौसम में आपको सुबह और दोपहर को दही का सेवन करना है, इसके अलावा शाम के समय दूध का सेवन करना है। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ठंड के मौसम में सेवन करेंगे तो आपकी हाइट 200% सर्दियां खत्म होते होते बढ़ जाएगी। टिप्स नंबर 3, दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट बढ़ती है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि ठंड के मौसम में कौन कौन सी एक्सरसाइज बहुत तेजी से हाइट बढ़ाती हैं। दोस्तों मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप ठंड के मौसम में सिर्फ 1 महीने ही कर लेते हैं तो आपको इसका इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 1, कोबरा स्ट्रेच। इसमें आपको करना यह है कि जमीन में सीधे लेट जाना है, अपने हाथों को नीचे रख के अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, हैंगिंग बार, जिसे हैंगिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने कई सारी वीडियो में इस एक्सरसाइज के बारे में जरूर बताया होगा। यह आपको भली भांति पता है कि यह हमारी हाइट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ठंड के मौसम में रोजाना 15 से 20 मिनट हैंगिंग बार एक्सरसाइज जरूर करना है। यह कुछ इस तरीके से होती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, रोप स्किपिंग। दोस्तों आपसे जितना ज़्यादा हो सके यह रोप स्किपिंग एक्सरसाइज जरूर करें। दोस्तों अगर आप चाहें तो यह जंपिंग करने वाला टूल बाय कर सकते हैं, इसके अलावा आप घर में पड़ी रस्सी से भी कर सकते हैं। ये आपकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए इस ठंड के मौसम में रोजाना यह तीनों एक्सरसाइज 30 मिनट जरूर करना है। दोस्तों अब यहाँ से जरूरी काम शुरू होता है। अब यहाँ से वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप इन सर्दियों में अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको केवल ध्यान में रखना है। पहली बात, आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। अगर आप बिल्कुल क्लियर तरीके से जानना चाहते हैं कि किस उम्र वाले व्यक्ति को कितनी देर सोना चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। दूसरी बात, आपको हमेशा अपने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठना है। अगर आप चल रहे हो तो आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा करके चलना है। ऐसा करने से हमारी हाइट बढ़ने में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वरना अगर आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को झुकाकर बैठेंगे या चलेंगे तो आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का सीधा संबंध हमारी पीयूष ग्रंथि से होता है। तीसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के नशे नहीं करने हैं, क्योंकि नशा करने से हमारे शरीर में स्ट्रेस होने लगता है जिससे हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। चौथी बात, आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है, जो इन सर्दियों में आपकी हाइट बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें अगर आप केवल ध्यान में रखते हो और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो सर्दियां खत्म होते होते आपकी हाइट जरूर बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी बॉडी के लिए प्लीज़ यार अपनी बॉडी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही शानदार वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।